जय गुरुदेव प्रभु का जय गुरुदेव परमात्मा रात्रि चंद्रान सेवा कर रहे हैं सभी सत्संगी प्रेमियों बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो ऐसे खराब समय में ऐसे गंदे खान पान के लिए गंदी संगत के लिए आपको परमात्मा सम्मान सेवा करने का अवसर मिला। यह अवसर हिन्दुस्तान में कहीं नहीं, चाहे किसी धार्मिक शरण में चले जाओ चाहे राज्य, लेकिन परमात्मा सम्मान सेवा करेंगे। संतों के परमात्मा नहीं सुनेंगे तब तक परमात्मा सम्मान सेवा करना नहीं मिलेगा। इन लोगों को जानकारी नहीं है कि परमार्थी शब्द क्या, परमार्थ किसे कहते हैं, स्वार्थ किसे कहते हैं। सब लोग स्वार्थ में इतने डूब गए हैं कि सेवा धर्मार्थ परमार्थ उनके जिम्मेदार से चला गया। ऐसे खराब समय में आप लोगों को ये अवसर मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो कभी कभी किसी किसी को अपने जीवन में ऐसा सौभाग्य मिलता है कि जब वो परमात्मा सम्मान सेवा में शामिल शरीक होकर अपने दुख तकलीफों को दूर कर सके, अनंत जन्मों के पापों के बोझ को हटा सके। ये छोटा मोटा लाभ नहीं, इसका धीरज से समझ में आ जाएगा, सब काम आपका हो गया। लेकिन जब लग जाओगे तो समझ में सब आ जाएगा। वैसे ही घर आना लगना बड़ा मुश्किल है, ये सरावत कठिनाई, इस मार्ग में आने में बड़ी बाधाएं, जो ये मत तैयार और दुनिया काल मत में वही जा रही है। वो दयाल मत को जानती नहीं कि दयाल मत किसे कहते हो। दयाल मत पहचानने वाला और काल मत मानने वाला दोनों का काम अलग है। न काल दयाल का काम कर सकता है, न दयाल काल का करके जो मुंह में कारण से जो दया करने आए क्षमा करने आए वो कभी काल का काम नहीं करते। हमें आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे भीषण कल काल में ये परमार्थी सेवा अवसर मिला है छोटी बात नहीं। आज लोग परिश्रम को भूल गए, सारा परिश्रम मशीने कर रहे हैं, तो मशीने स्वस्थ है आदमी बीमार, जो काम करेगा वो स्वस्थ रहेगा, जो नहीं करेगा वो बीमार। जैसे किसी मशीन को साल दो साल खड़ा रखो तो बेकार हो जाती, और अगर चलती रहे तो ठीक रहे। ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर परमात्मा की बनाई मशीन से चलता है। अगर इस शरीर को आप एक जगह खड़ा कर दो, परिश्रम न करो तो बेकार। आज बीमारी बढ़ने का कारण यही है कि हमने आपने परिश्रम छोड़ दिया। जब परिश्रम छूट गया तो आराम और सुख और शांति भी आपकी छूट गई। इसलिए संत महापुरुषों ने शोध किया
कि मनुष्य को सुख शांति कैसे मिले, उसको निरोग स्वस्थ कैसे रखा जाए। उन्होंने सोच करके ये परमार्थी संग्राम सेवा का आधार रखा। अगर ये सेवा करने लगे तो शरीर से स्वस्थ हो जाए, बीमारियां अपने आप चली जाएंगी, कोई बीमारी नहीं। जैसे जैसे आप परिश्रम करते रहोगे शरीर से पसीना निकलता रहेगा, बीमारी अपने आप खत्म हो जाए। कितना सरल उपाय संतों ने ये जीवों के लिए रखा। जो कभी में आए और हमने आपको सस्ता सरल रास्ता दे दिया। कुमारियों से इतने परेशान जो अपने काम नहीं करते हैं, खेती एतमान में दफ्तर है, गृह व्यापार मजदूरी है, वो सब दवा में चला जाता, साथ में कुछ नहीं बचता, सब दवा में खर्च हो जाता और शरीर भी कमजोर हो जाता, पैसा भी चला गया और शरीर भी कमजोर हो गया। आपको क्या लाभ, लेकिन बात समझ में नहीं आती आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है। तो संत महापुरुषों ने उसका समाधान निकाला, संपूर्ण दुख मुसीबत का समाधान किया, पूर्ण परिश्रम और ईमानदारी से काम करना बंद कर दिया। यही ईमानदारी और परिश्रम ही उनको हर तरफ बढ़ाने का काम करते, इसी को विकास कहते। विकास को जब करेगा जब इंसान स्वस्थ रहेगा, बीमार व्यक्ति क्या विकास कर सकता, जो कुछ है उसके पाचन वो बीमारी नहीं जा रहा, वो बेचारा विकास क्या करेगा। लेकिन सोच नहीं पा रहा कि आखिरकार विकास किधर जाए, जो विकास हो दूसरे लोगों की समझ में आएगा, तो सब समझ में आ जाएगा और सब तरह से तुम्हारी संभाल करें, किसी तरह से तुम्हें बिगड़ नहीं देंगे। जब तुम्हारा मन खराब होता देखा जाता तो अपनी तरफ लगा लेते, क्योंकि डर रखकर तुम्हारा मन खराब नहीं होगा और किसी साथ लग जाओ तुम खराब कर, तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करें। लेकिन जो बेचारा इतना ज्ञानी है वो अपने भले को और अच्छे को समझ नहीं पाता, कहाँ हमारी भलाई है, काम को कौन भला, भले रास्ते पर चला रहा, कौन हमला मारा, अच्छा काम कर रहा, यही तो जीव के अंदर समझने की कमी। और ये समझदारी जब संतों की शरण में पहुंचे उनके वचनों को सुनेंगे, फिर वचनों को जीवन में उतारेंगे तो आपको सब लाभ मिलेगा। लेकिन ये वचन कोई बताने वाला तो होना चाहिए, आपको तो वो वचन सुनाएंगे जिससे तुम्हारा सब तरफ से नुकसान, जहां जहां फतेह जिनके साथ गए सबने आपको खराब किया, क्योंकि वो खराब थे, खराब करना वो जानते हैं, अच्छा करना अच्छा बनाना जानते हैं, और यही तुम्हारी भूल रही कि उनके साथ मिलकर आपने अपने आप को खराब कर दिया। अब इतने खराब हो गए हो उसी खराबी से आप परेशान हो, तरह तरह की परेशानी, तरह तरह के लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बीमारी महामारी, तरह तरह की दुर्घटनाएं अकाल मौत, ये सब आपके सामने आके खड़े हो। और इस समस्या का समाधान किसी के पास न कोई राजनीतिक और न किसी धार्मिक, तो आखिरकार क्यों जाएगा, कोई न कोई तो रास्ता बताने वाला होना चाहिए, कोई न कोई सच्चाई मतलब यानी अच्छाई का अनुभव कराने वाला होना चाहिए। तो जब धीरे धीरे उनकी शरण में जाओगे, उनके वचनों को सुनोगे और करने लगोगे, तो ऐसा तुम्हारे अंदर आगे
आज का समय कितना खराब, चारों तरफ कलह लड़ाई झगड़े मारकाट हिंसा चोरी कतलेआम निपटान उपचार, इसके सिवा कुछ नहीं। महंगाई गरीबी बेरोजगारी इसके अलावा कुछ नहीं। ये जीवन में सुख शांति दिलाने वाले रास्ते नहीं, ये तो आपको परेशान और मुसीबत में डालने वाले रास्ते। जब तक इनको समझोगे नहीं और इनसे निकलने का उपाय नहीं सोचोगे, तब तक आपको सुख शांति मिलेगी। और यहाँ कोई बताने वाला है, जो बताते हैं सब अपने स्वार्थ की बात, तुम्हारे ही स्वार्थ की बात कोई नहीं। चाहे तरफ किसी को देख लो, चाहे परिवार समाज को देखो, चाहे सब अपने बड़े मतलब की बात करते, अपना अपना स्वार्थ तुमसे हल करते और तुमको इधर उधर करते। तुम्हारी जरूरत जब तक समझते हैं, जब तक उनका स्वार्थ निकलता रहे, और जहां स्वार्थ निकलना बंद एकदम तुम्हें छोड़ दे, फिर तुम कहीं के नहीं हो, तब तुम्हें पछतावा हो, तो उस पछतावे से होता है। समझमा पुरुष सब तरफ से आपको समझाकर एक तरफ केंद्रित करते हैं, जहां से तुमको सच्ची सुख शांति मिलेगी, वो रास्ता है अध्यात्म। और अध्यात्म किसी को मालूम नहीं, तभी तो सुख शांति नहीं। ये भौतिक जगत में कोई सुख शांति नहीं, इनमें सिवाय तकलीफ मुसीबत और दुख और मतलब यानी बीमारियां परेशानियां लड़ाई और झगड़े, इसके अलावा कुछ है नहीं। चाहे परिवार में देखो, चाहे समाज में देखो, चाहे धर्म की तरफ देखो, चाहे राजनीति की तरफ देखो, जब कहीं सुख शांति दिखाई नहीं देती तो आप जाओगे, कोई न कोई तरह का ऐसा होना चाहिए, कोई न कोई रास्ते पर चलाने वाला होना चाहिए, कोई न कोई मुसीबत आपत्ति से बचाने वाला होना चाहिए, कोई न कोई बुरे कर्मों से आपको अच्छे कर्मों की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए, तभी तो कार्य आपका हो जाए। और तुम्हारे पास कोई सूझ नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कहाँ जाए किधर जाए, कौन हमारी मतलब यानी रक्षा करने वाला है, कौन हमें मुसीबत आपत्ति की तरफ धकेलने वाला। इतने दिनों में आप यही नहीं समझ पाए, अब धीरे धीरे जब से संतों ने अपना सत्संग वचन लोगों को सुनाना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने सुनना था और सुन करके को जीवन में उतारा, तब उनको कुछ पता चला, अरे नहीं भाई, सुख शांति का रास्ता तो इधर, उधर तो सब लड़ाई झगड़े, उधर सब खराब करने वाले बैठे, जिनको तुम पकड़ लोगे पर जो तुम्हें खराब कर देंगे, शरीर से खराब कर देंगे, मन से खराब कर देंगे, बुद्धि से खराब कर देंगे, शरीर से खराब कर देंगे, आपको किसी तरह से छोड़ेंगे नहीं। फिर आप पछताते हो, फिर पछताए होता जब पीढ़ियां की गई, सारा समय निकल गया, सारे स्वास्थ्य की पूंजी आपने खराब कर डाली, अब सोचने से होता क्या। लेकिन संतों ने फिर भी आपको हतोत्साहित नहीं किया, एक आपको साहस बनाया, ठंडक बनाया कि चिंता मत करो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मां पुनिया गोस्वामी संगत साथ की हरे को रखा, अगर एक घड़ी का सत्संग मिल जाए तभी तुम अपने जीवन को बदल सकते, लेकिन मिल जाए कहने का मतलब तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम उसे अपना लो, उसके अनुसार चलने लगो तो फिर बदलने में दे, उनको बदलने में दे नहीं कि वो बदलने के लिए आए हैं और आपको बदल देंगे। अगर उनके संपर्क में आ गए तो
तो आपको हर तरफ से मदद, हर तरफ से तुमको शुद्ध, जिधर तुम्हारा मन जा रहा हो पर उधर से लोग हटा दे, वो जानते हैं उधर सब खराब करने वाले तुम्हारे मन को खराब करेंगे, बुद्धि को खराब करेंगे, चित्त को खराब करेंगे, फिर तुम्हारे शरीर को कर्मों से खराब करा देंगे। तो जो जो जिन लोगों ने उनको पकड़ा वो सब खराब, अब उसी खराबी के कारण आप रो रहे हो कि मेरे पास कुछ रहा नहीं, शरीर भी यानी बुढ़ापा आ गया, शरीर की शक्ति भोगों में खर्च हो गई, हम समझ नहीं पाए, सबने भोगों के द्वारा लूट लिया, कुछ नहीं बचा, और आप इन लुटेरों को समझ नहीं पाए, आपने समझा हमारे लिए, आपने रिश्ते बनाए, जिनको रिश्ता बनाया वो भी तो तुमको खराब कर रहा, वो कौन छोड़ देते, बगैर खराब के कोई छोड़ेगा ही नहीं, उनका उद्देश्य ही खराब करना, और तुम उनके खराब करने की शराब को समझ नहीं, आपने इसे प्रेम समझा, जो गंदा था प्रेम पाशाह में मन, प्रेम में गंदगी नहीं होती, प्रेम में विषय वासना भोगों की नहीं होती है, एकदम पाशाह में मन, तभी कहा प्रेम कहाँ है, संतों के पास खजाना, उनके पास प्रेम का खजाना, वो प्रेम के भंडार, आपको उसे सच्चे पाशाह निर्मल प्रेम से जोड़ लेंगे और आपको पाशाह कर देंगे। तो कितना बड़ा काम करने आए ऐसे संत महापुरुषों को लोगों ने पहचाना, पहचाना बिचारे तो कम नहीं करा, तब छोड़ दीवार में कितने लोगों को प्रेम दिया, कितने लोगों को सही सच्चे रास्ते पर ला के खड़ा किया, मथुरा में 45 करोड़ और सब छोड़ दीवार में, किसी ने नहीं समझा कि हमें ये क्या देने आए और हमसे क्या लेने आए, तुमसे बदले में कुछ नहीं लेते और तुम्हें सब, अब तुम लेना सीख जाओ तो सब कुछ पा जाओ, यही एक ऐसा दरबार है जहां दिया नहीं जाता दिया जाता, जहां दिया जाता दिया नहीं जाता, यहां कोई बदले की भावना नहीं, इसके बदले आपसे कुछ लिया और सब तरफ से तुम्हारी संभाल की, जब तुम्हारे मन को बिगड़ता हुआ देखते हैं तो फट से उसको अपनी तरफ खींच के ठीक कर देते, सुधार देते और वो घड़ी बिगड़ने वाली तुम्हारे बचा देते, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ पाता कि हमारे साथ कितना बड़ा उनका सहयोग है, कितना बड़ा यानी उनका परोपकार है, लेकिन जब तक सत्संगों में नहीं आओगे, वचनों को नहीं सुनोगे, सेवा भी नहीं लगोगे, तब तक तो कोई काम होने वाला नहीं, आपकी समझ में नहीं आएगा, सेवा तो आपने बहुत से की, परिवार की बाल बच्चों की सेवा, समाज की देश की सेवा, लेकिन उसमें कोई न कोई आपका स्वार्थ, लेकिन आप जो ये परमार्थी सम्मान सेवा आप कर रहे हो इसमें आपका कोई स्वार्थ, कोई लोभ लालच नहीं है, कोई अधूरी मजदूरी लेने की भावना नहीं, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं, केवल कार्य भी किसी करते हो कैसे हमारे स्वार्थ, हम केवल आदेश का पालन, हमको इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, हमारे लोग क्या देंगे, उनकी मोहे कोई देवा कृपा करेंगे, उनकी मोहे क्या था हमको देने मतलब हमारा बनाएंगे, उनकी मोहे जब मौत पर सब छोड़ दोगे तब तुम्हारे पर कुछ लगे, जब पाप रहेगा तो खत्म और ये आपको करना है,
जब तक कुछ करते रहोगे तब तक भोगते रहो, भुगतान करते रहोगे, आते जाते रहोगे, जन्म मरण होता रहेगा, आवाज हो नहीं चुकेगा। लेकिन जैसे आपने वही हमारा कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ बात इसका पालन करना, अब आप पर कुछ नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई भोग नहीं, कोई कर्म नहीं और कोई सजा नहीं। ये कितनी बड़ी सेवा जिसमें आपका कोई भाव ही नहीं। और यही काम घरों में करते हो, समाज में, परिवार में, तो बगैर स्वार्थ के करते नहीं। यहाँ पर स्वार्थ कहाँ चला, खत्म किया स्वार्थ नाम की चीज खत्म। और परमात्मा की भावना तुम्हारे अंदर आ गई। ये जमीन का असर, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, ये तपोभूमि का असर है कि आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं रहा। और इतनी बड़ी सेवा आप कर रहे हो कि जिससे आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। इसलिए सेवा का छोटा मोटा लाभ नहीं, लाभ इतना बड़ा। और कितनी सेवाएं आपने की, लेकिन ये लाभ किसी सेवा से आपको नहीं मिला, ये कोई पाप कर्म आपका कट जाता। यहाँ लोग कहते हैं अनंत जन्मों के पापों को आप खत्म कर सकते हो इस परमार्थी सम्मान सेवा से, इतना बड़ा लाभ इसका। लेकिन दुनिया में लोग कुछ नहीं, वो देखते रह जाएंगे, तुम अपना काम बना लो। यही तो महात्माओं की होशियारी है कि अपने जीवों का काम किस तरीके से करते, सबके सामने होते हुए भी अपने प्रियों का काम कर देते, बाकी बेचारे देखते सोते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा ये सेवा क्या है, ये क्यों लोग कर रहे हैं। सब देख देख के आश्चर्य, क्योंकि ये सारा हिंदुस्तान आपको देख रहा, फिर सीधा प्रसारण पूरे हिंदुस्तान में जा रहा। और सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग दिन में परिश्रम करना भूल गए, ये कैसे लोग हैं जो रात्रि में सेवा कर रहे हैं। कहा कर रहे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, ये कितनी बड़ी संख्या है ऋषि मुनि की नहीं है। विश्व में कहीं चले जाओ कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर इतनी लंबी संख्या में ऋषि मुनियों ने तपस्या की। यही पावन पवित्र स्थान है नैमिषारण्य। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसकी पूर्ण व्याख्या की। इस नैमिषारण्य स्थान तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ राजा, ये तीर्थों का राजा है, अति पावन पवित्र है। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा, कहा जब कभी इस भूमि पर किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, परमार्थी सम्मान सेवा करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ के रहने वाले गांव में उनको नहीं, पंडा पुजारी उनको नहीं, ये लाभ मिलेगा जब किसी संत के साधक इस भूमि पर नाम की साधना करेंगे। करने जब नाम की साधना करने वाले जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, उनको उसका लाभ मिलेगा। इस भूमि की कितनी बड़ी महिमा है जो रामचरित मानस बता रही, विभिन्न लोग नहीं समझ पा रहे। हर हिंदू के घर में रामचरित मानस लिख के रखवाई गई ताकि
समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे, उस जानकारी से आप लाभ प्राप्त करते रहे। लेकिन सब कुछ जानकारी मिलती हुई आज तक लोगों की समझ में नहीं आया। ये तो जिनको मिलना उन्हीं की समझ में आता, जिनका सौभाग्य है वो भूमि पर आएंगे, सब नहीं आएंगे। फिर पास पड़ोस वाले नहीं है और दूर दराज से लोग आ रहे, जिनकी किस्मत में है कि भूमि का लाभ उनको मिलेगा और वो लाभ ले रहे, बाकी दुनिया के लोग देखते रहे। बात तो समझने की, धीरे धीरे जब आप आते जाते रहोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा कि आप कोई भूमि पर क्यों लाया गया, हिन्दुस्तान में क्या जमीन की कमी है। लेकिन नहीं, ये जमीन, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये सब जगह नहीं। कोई भूमि का लाभ अलग है, लेकिन वो लाभ सबको दिखाई नहीं दे। यहाँ तमाम गांव बस गए, तमाम शहर कस्बे बस गए, लेकिन ये लाभ उनको दिखाई नहीं दे। जिसके लिए लिखा है उन्हीं को इनाम मिलेगा। गोस्वामी महाराज ने लिखकर ये सिद्ध किया है, जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, परमात्मा की सेवा करेंगे और आध्यात्मिक सत्संग करेंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। ये तीन काम करेंगे भूमि पर, सत्संग, सेवा और भजन, और ये तीनों काम आपके हो और आप लोग तीनों काम कर रहे हो। कहा भाई तुम नहीं समाज खड़े रहो, काम तुम करके दिखा दिया, केवल खड़े रहो अपनी जगह पर तभी काम हो जाए। अब आपको खड़े रहना, आप देखते रहिए काम कैसे हो रहा। कहने का मतलब ये है, महापुरुषों ने जो कहा वो करके दिखाया, वो किसी के सहारे नहीं रहे, लेकिन फिर भी जीव को सम्मिलित करते। अरे भाई सब जिसका जिसका लाभ हो जाए तो अच्छी बात, जो लाभ देने आए वो तो लाभ देंगे ही क्यों, कैसी मतलब कैसे देंगे, कैसी उनकी बुद्धि फेरेंगे, कैसे उनको इधर लगाएंगे, ये तो उनका काम है, वो धीरे धीरे लगा लेंगे। तुम कभी जीवन में नहीं सोचते थे कि हम यहां मिट्टी ढोएंगे और आप कर रहे हो, कभी आपने सोचा नहीं कि हम इस भूमि पर आकर मिट्टी ढोएंगे, हम इस भूमि को तैयार करेंगे, हमारा इस भूमि से क्या मतलब। लेकिन नहीं, अगर मतलब न होता तो कैसे आपको लाया जाए और तुमको लाभ मिलना न होता तो आपके क्यों लगाया जाए। ये सब बातें समझ लें, धीरे 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 जब आप सेवा में लगे रहोगे, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त अपने आप साफ हो जाएंगे और ये सब काम आप करेंगे। अब जो नहीं चाहता था वो भी देखो कर रहा, करने के लायक नहीं फिर भी अंदर में इच्छा भाव तो है कि हम भी करें, उसका भी लाभ। अगर किसी अच्छे काम को आपने सोच लिया उसका भी लाभ आपको मिलेगा। ये कितना बड़ा कलयुग में आपके साथ लक्षण को ने लाभ जोड़ा, अगर अच्छे काम को सोच लोगे, सबकी भलाई करने का अंदर में भाव बन गया तभी आपको लाभ मिलेगा। ये बिना किए का लाभ, इसका मतलब कलयुग का जीव इतना खराब कि अच्छा सोच भी नहीं पाता, करना करना को दूर रहा, किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाता, किसी को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं,
सबको खराब करने की कोशिश कर रहा है। यही आपको समझना चाहिए। धीरे 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 सत्संगों में आते जाते रहोगे, थोड़ी बहुत निमिष मात्र सेवा करते रहोगे, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते रहोगे, उसी से तुम्हारा काम हो जाए, उसी से क्योंकि लगाने वाला चाहिए। अगर लगाने वाला सही है तो थोड़ी सी सेवाओं से आपका काम बन जाए और आपका बन रहा देखिए। छोटी मोटी सेवा से ये कितना बड़ा काम है, और थोड़ी बहुत सेवा शरीर की याद कर रहे हो तो कितना बड़ा काम हो। ये मशीनें भी काम नहीं कर सकती जितना आपने काम किया। तो सब लोग देख रहे, जब मैं इस भूमि पर आया था तो लोग कहते हैं अरे जंगल में क्या कर रहे हैं, आपको देशी भी लानी पड़ेगी। हमने कहा हमारे पास बहुत बड़े बड़े देश आप देखना, और जैसे आपका काम शुरू हुआ सब जंगलों को आपने साफ कर दिया, इतनी कटीले झाड़ियां थी जहां लोग घुस नहीं सकते थे, आपने उसके उनको साफ किया, बड़े बड़े नाले और मतलब गड्ढे आपने पार दिए। नरेंद्र का अवसर ये तो मशीनें भी नहीं था। हमने कहा हमारे प्रेमियों के आगे मशीनें फेल है, वो फेल हो गई, इन्होंने मशीनों को फेल कर दिया अपने शारीरिक श्रम से। तो छोटा मोटा काम नहीं है, ये समय का और कलयुग के इतिहास का प्रथम काम है। ये पहला काम जो आपके द्वारा हो रहा, ऐसे आप लगे रहोगे तो धीरे धीरे कलयुग का इतिहास पूरा कर दोगे। ये सब इतिहास से तो बनता है, जो लोग कभी नहीं किए आज कर रहे, कभी उन्होंने पाड़ा हाथ से पकड़ा नहीं है आज ये खुदाई कर रहे, इन्होंने सर में एक किलो बोझा रखा नहीं और डलिया बनवर के लिए जाए, ये सब आपसे जनी करता, इसी को देखकर लोग ताजुब। तो आपका काम छोटा मोटा नहीं, ये समय का और इतिहास का बहुत, किसी इतिहास में भी ऐसा काम किसी ने करके नहीं दिखाया जो आज आप करके दिखा रहे। कहने का मतलब है तुम अपनी सेवा में लगे रहो, तुम्हारा काम इसी से हो जाए, क्योंकि जो आगे लोग आ रहे आप उनके लिए तैयार करो, तुम अपने लिए थोड़ी कुछ करो, आगे आने वाले लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म आप तैयार करो। जब करोड़ों लोग बैठकर इस भूमि पर भगवान का भजन करेंगे और वो सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, ये छोटा मोटा लाभ, उस लाभ को देने वाले आप, न तुम सेवा देते न जमीन होती, न तुम सेवा करते न जमीन तैयार होती, ये सब तुम्हारे द्वारा हो, यही तुम्हारा भजन और यही तुम्हारा सब कुछ। ये तपस्या से बढ़कर तपस्या, कितनी भीषण गर्मी थी और ये प्रेमी दोपहर में मिट्टी ढो रहे, झाड़ियां साफ करने काट रहे, लोग घरों में गर्मी महसूस कर रहे थे और ये जंगलों में सेवा, यही तो बात समझदारी, यही तो कलयुग का इतिहास है जो सबके सामने हो रहा और देखकर भी लोग नहीं समझ पा रहे। क्या हिंदुस्तान में जमीन की कमी थी? मैंने जंगल क्यों लिया? ये कटीले झाड़ियां क्यों खरीदी और बड़े बड़े नाले गड्ढे क्यों खरीदे? तुम्हें नहीं मालूम आप फिर सेवा कैसे कराएंगे? कोई प्लेन खेत में सेवा करता? ये आपको सेवा करने के लिए
या आपको सेवा का अवसर मिले जिससे तुम्हारे किए गए पाप कर्मों की अदायगी हो जाए, इसके लिए मैंने ये झाड़ियां और कटीले जंगल खरीदे पर बड़े बड़े गड्ढे मतलब यानी और नाले आपसे कटवाए। ये कितना बड़ा काम सेवा, लोग समझते थे भाई यहां क्यों ले रहे, हमने कहा हमें जरूरत, प्रेमियों को जरूरत है, उनके जरूरत का सबसे बड़ा काम होना है। अगर ये जंगल न होते, गड्ढे न होते तो आपकी सेवा कहां करते, कहां आप सेवा करते और कहां तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी होती। तो एक तरह से नहीं हजारों तरह से लाभ देने के लिए आपको इस भूमि पर लाया गया, और जब तक तुम्हारा पूरा नहीं हो जाएगा कर्मों की अदायगी आपको सेवा मिलती रहेगी, क्योंकि अब कोई सेवा करके आप ये लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। प्रेमियों को चाहिए कि लगन के साथ जो करो, लगन के साथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, तमिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव, सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो कितना बड़ा आपका, ये जयकारा क्यों लगवाया जा रहा, जंगल में बेचारे पेड़ पौधे ये कहीं जा नहीं सकते और इनको कोई सुनाने आएगा नहीं, और इनमें भी जीवात्मा है जो पाक साफ निर्मल है, न झूठ बोलती है, न सड़कबट करती, न चोरी करती है, न बेचार कुत्ता, ये बिल्कुल पाक साफ की बात, इनका भी उद्धार होना चाहिए। आज कलयुग में जो नाम कलयुग के जीवों के लिए जगाया गया, कोई लाभ सुनने का अधिकार इन पेड़ पौधों को, यहां जंगल में कोई नहीं आया और न कोई आएगा। आपको इसीलिए ले आया हूं कि समय के प्रभु नाम की जयकार लगाकर इन पेड़ों में जो जीवात्मा है उनका भी कल्याण हो, तमाम वायुमंडल में ऐसे जीव है, तमाम इन जंगलों में जीव है, इन बेचारों को कोई नहीं सुनाएगा प्रभु का नाम, तो इनकी जीवात्मा का कल्याण का कभी नहीं होगा। अरे इनको भी तो अवसर मिलना चाहिए। आज आप कितना बड़ा काम कर रहे हो, शहर कस्बों में तो लोग प्रचार सभी करते हैं, लेकिन जंगलों में और वहां के जीव सब पाप कर्म करते हैं उनको सुनाते, और ये पाक साफ निर्मल पवित्र है जो जंगलों में रहते, इसलिए ये सब काम करने कराने के लिए आपको लाया गया। आप सेवा भी कर रहे हो और प्रभु के नाम का उच्चारण भी कर रहे हो, अपना भी काम कर रहे हो, इन जंगली यानी मतलब जीवों का और इन पेड़ों में स्थित जीवात्मा का, उनका भी कल्याण कर रहे हो, ये कम है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा परमार्थिक काम है। एक तरह से नहीं हजारों किस्म से आप एक परमार्थी सेवा कर रहे हो, पेड़ पौधों को समय से प्रभु को नाम को सुना बताना, आवाज लगाना, ये भी परमार्थी, ये भी कोई नहीं कर रहा,
किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन जब सीता का हरण हुआ था, भगवान राम जब खोज के लिए निकले थे, उन्होंने पेड़ पौधों से पूछा, हे खगपत, हे मृगपत सेनी, तुम देखी सीता को? पेड़ों से, जानवरों से, जंगली सब से पूछते थे, अरे भाई तुमने सीता को? ये पूछने का मतलब ये प्रमाण दे रहे हैं, इन पेड़ों में भी जीवात्मा है, ये सत्य बोलेंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये घूस रिश्वत नहीं लेते, ये किसी के बहकाने फरमाने में नहीं आते, इनमें कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, कि उन्होंने सिद्ध किया। आज वो अवसर आया है इन पेड़ों को, इन जंगली जानवरों को, या रहने वाले भूमिगत तमाम अंदर में जीव पड़े हैं जमीन के, उनको भी ये सुनने का अवसर मिला। और इतने जीव आप इनके ऊपर से चल रहे, लेकिन आप पर कोई घात नहीं करते, कोई आप पर नुकसान नहीं करते, वो जानते हैं ये हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रभु नाम को सुनाते हैं, जय घोष करते हैं, इनसे बड़ा हमारा कोई हितकारी नहीं है, इसलिए वो आपका नुकसान नहीं। इसी बात को सोचना चाहिए, अगर धोखे में किसी से कोई नुकसान हो गया तो उसका तुम्हारे पर कोई बुरा असर नहीं, कोई दूसरा बुरा पूरा असर नहीं बोला होगा, कोई जानलेवा घटना नहीं होगी, और इससे ज्यादा आप क्या लाभ चाहिए। जय गुरुदेव सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव जन जन में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव मानो मानो में प्रेम कौन सिखाएंगे, जय गुरुदेव। इस बात को ध्यान रखिए, ये भी काम किसी के बस का नहीं, जितना भी आपको से कहा जा रहा सुनाया जा रहा ये किसी ने पहले भी नहीं किया और आज भी कोई नहीं कर रहा, ना आगे कोई कर सके, ऐसा काम आपके सामने, उस काम में आपको शामिल शरीक किया। और धीरे धीरे रात्रि परमार्थी संदान सेवा का समय आपको पूरा, आपने बड़ी मेहनत की है, 5 बजे से लगे हो, आखिरकार आराम, वैसे तो बहुत बड़ा है, एक दरिया का लाभ एक माला के बराबर, माला वाला लाभ दरिये में, सुमरन का लाभ दरिये में, भजन का लाभ इस दरिये में, इस दरिये में कौन सी करामात, करामात है परमार्थी विचार का, इस दरिया में छुट्टी में परमार्थी विचार धारा, अपने स्वार्थ की कोई भावना नहीं, इसलिए इसका लाभ इतना बड़ा रखा गया कि एक दलिया मिट्टी घर डालोगे एक माला स्वीकार, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करते कि जितनी ज्यादा हो जाए उतनी माला हमारी हो जाए। ये लाभ तो कोई दे नहीं सकता, एक दलिया का लाभ एक माला के बराबर कोई नहीं, ये लाभ आपको कहीं नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव देखो 10 दलिया और डाल दी, 5 अपनी पौधमा, क्योंकि हमसे तो काम हो, हम तो बुढ़े हो गए और आप लोग ही कर, मैंने बहुत किया उतना आप नहीं कर सकते, इतनी मिट्टी ढोई है कि आप ढोने, इतना फौड़ा चलाया कि आप 10-12 घंटे लगातार आप चला नहीं, ऐसे थोड़ी आपसे करवा रहा हूं,
मैंने भी किया है और करके उसका लाभ मिला, तब आपको कहता हूँ ये काम करो ये लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं, अगर कराया न होता तो करवाने का लाभ हम कभी नहीं बता पाते। हमने भी किया, आप भी करिए। आप तो इतने लोग हो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो लोग थक गए हैं या आप नहीं जा सकते हो तो आकर प्रसाद ले, लेकिन ये तजलिए का अभियान सर्वोपरि। जब थक जाता आदमी तब उसके बाद जो काम करता है जब थक जाओ तब करो, तब समझ आपके आए मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो मीठा होता है। अब आप जल्दी से पूरा करो और आकर के अपनी सेवा का प्रसाद, आपकी थकावट दूर हो जाए, आपका प्रमाण बन जाए, सब तरह का लाभ है और प्रसाद में जो भी मिल जाए जितना उसी में संतोष। प्रसाद मतलब कोई खुराक नहीं है, जो मिल जाए वो आपके लिए प्रसाद है, वो उतना ही काम करे। जितना ज्यादा पाओगे उतना थोड़ा खाओ, वो तो प्रसाद का भाव होना चाहिए। जो मिल जाए उसे स्वीकार करो, उसी में तुम्हारा लाभ है, उसी में तुम्हारा भला है। आपको अपने भले की बात है तो जल्दी से दस जिले का अभियान पूरा करके आ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।